अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है जी संडे का दिन और आज वसीम के बड़े भाई आ रहे हैं और हम बना रहे हैं खाना शाना। और आज मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है, देखो माई कैपी ए वाला दुपट्टा। अभी बाल मेरे ना गिलने ही मैंने बांध लिए हैं क्योंकि मेकअप करना था ना, फाउंडेशन लगा रही हूँ तो फिर इंजन 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 गिर दे तो अभी ऐसे ही बांधे। मेकअप देखे आज कितना नाइस हो रहा है ना। तो चलो मैं आप बिरयानी बना ये आप फिर ये की दोबारे एक बार फिर से मैं हां कुछ नहीं आ जाओ प्राइवेट हो रही है। नहीं कोई प्राइवेट नहीं, आ जाओ मैं चाय बनाने लगा मम्मी। कुछ कुछ प्राइवेट नहीं हो रहा, ईद मिली जा रही है। देखो ये जूते हैं, ये कपड़े हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये हीना और ये वसीम है। तो आज जी हम बनाएंगे लैम लेग, जिसको हमने मैरिनेट किया हुआ है 2 दिन का। तो ये देखें, ये बड़े से जो है मुंह वाला, आपने एक पतीला ले लेना खुले मुंह वाला भांडा, तो उसके अंदर आपने इसको घुमा फिरा के चंगी तरह मसालों के साथ एक बारी फिर तो आप ना उसके पतीले के अंदर आपने डाल देना। छड़ छड़ छड़ा की आवाज़ें आएंगी क्योंकि पतीला जो था ना हमारा वो पक रहा था फुल अग बाल रही थी असली के नीचे, ठीक है। तो ये बाकी का भी सारा मसाला जो है मैंने पूंछ पाँच के ना तो इसके अंदर डाल देना है और फिर आग को हल्का करके तो इसको मैंने कवर करके रख देना है। ये आज तकरीबन 2.5 घंटे हल्की आग पे जो है ना इसको मैंने इसी के अंदर जो है ना कुक करना है। फिर इसको हम ओवन में सिर्फ रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और वेदर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। और आज बच्चों के ताया जी आ रहे हैं तो खाना शाना पक रहा है। यहाँ पे मैंने पापड़ी चाट बनानी है, तो पापड़ी तो हमें मिली नहीं पर आज हम पापड़ी के बगैर ही चाट का गुजारा करेंगे। और यहाँ पे बना रही हूँ चिकन की बिरयानी। तो ये देखें जी, ये लैम लेग जो है ज़बरदस्त किस्म की हमारी माशाल्लाह पक रही है और बल्कि ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको फुल आग पे थोड़ा सा इसका पानी हम ड्राई कर लेंगे। हाँ वसीम साहब ने आज ये वाला सूट पहना हुआ है। हाँ जी, और हमने ये वाला पहना कल बताया था ना आपने इन सबको। हाँ भाई निकलो थोड़ा, देखो ये जा रहे हैं जी अपने भाईजान को लेने। आ जा रहे हैं मेरे जेठ जी आग जो ताया को लेने जाओ अपने को। दादू जा रही हैं? नहीं, दादू ने घर पे रहना, पापा अन्नम और अब्दुल्ला जा रहे हैं। दादू ने था। नहीं नहीं नहीं, दादू नहीं जा रही, खैर से जाए खैर से। पापा ने टिंडी देख किडी चमकाई क्या कह रहे। ये देखें जी, अम्मी जी ने ये सूट पहना हुआ है ब्राउन, ये जूते हैं नीचे, ये है इसका घेरा। हाँ ये घेरा है और ये है जूते गोल्डन, ये है गोल्डन जूते और की कहना और ये मेरे बाल जुल्फे हैं छोटी छोटी और ये हैं जी हम, ठीक है। देखो मैचिंग मैचिंग हुए हैं, मुंह तेन चुट्टा होया साटे चो निकले, नहीं लटा पे रही है लटा लटा ऑन है। तो हम तैयार हैं, वसीम गए हुए हैं जी अपने भाईजान को लेने, खाना शाना तैयार है। वो देखो मैं सैलड हले मिक्स करना है, तो ये मैंने थोड़े स्टीम किए हैं ये, तो बस इन्हीं का वेट कर रही हूँ। जैसे ये थोड़े इनकी पाफ शाफ निकलेगी तो फिर मैंने उसके अंदर सूत ठीक है। तो वसीम साहब अभी नहीं पहुँचे हैं, तो जो तो मैं कहती हूँ ना वसीम साहब, वसीम मैंने कहते मैं कितों का साहब आ तू कि मैंने वसीम साहब वसीम सुबह कहते रहे तू मेरे की वसीम साहब कहती रहती है। तो अम्मी बनाने लगी हैं अभी चाय और खाना माशाल्लाह सारा रेडी है। आज मैंने बनाई है लैम की लेग, चिकन की बिरयानी, साथ में पापड़ी चाट, साथ में है सैलड और साथ में बनाए हैं स्वीट कॉर्न और मशरूम की सॉस। और वाला कुछ बनाया है क्या ही सी मेरा ख्याल है ना। हाँ यही था, एक तो हम पकाते तो हम भूल जाते कोई डिश वगैरह तरीके माशाल्लाह इतना पकता है कि याद ही नहीं होता क्या क्या बना माशाल्लाह। पर जितो से खांदे आ ना हम कोई शेर नहीं छोड़ते, हम सारा खा बट जो है कश्मीरी है कोई मजाक है
और शादी मेरी हुई हुई है राइयों में, वो आपको पता ही है। पर ये जो है ना, इन्होंने कोई कहता नहीं कि कितनी लंबी है ना, सारे बहुत लंबे लंबे सन। मैं भी बड़ा खादा जी, मैं तो मोटी बड़ी होंगी सा, पता नहीं मैं लंबी क्यों नहीं हुई। तो अम्मी ने कहा था जी नू जड़ी है ना, वो थोड़ी हल्के कद दी लियानी है ताकि बच्चे ना वो बहुत लंबे लंबे रहन। इंजी सी ना तू ना स्टोरियां बनवाते हैं कि ना बच्चे बहुत लंबे लंबे रहन के छाती से बाहर निकल जाए। ये देखें जी, ये लगा हुआ है टेबल, ते बस इधर अभी रखे जाएंगे मशरूबात एंड लवाजमात। आप लीम भाई को कितने सालों के बाद मिलने लगी हैं? कितने साल हो गए ना? पांच साल बाद जी। आज मेरे जेठ जी आ रहे हैं, आपको पता है ना लीम यूसुफ का ठहरे बत्ती बाला। अम्मी का मुंह जरा चानन होना चाहिए। तो अम्मी आज बड़े बेटे से मिल रही हैं पूरे पांच साल बाद, माशाल्लाह। ते बस थोड़ा इमोशनल होगा। ते तुसी कहते हो ना वसीम की शक्ल अम्मी ना रलती है, नहीं, वसीम की शक्ल अबू पे है, अलीम भाई की शक्ल अम्मी पे है। जड़े आज आएंगे देख लेना वसीम की शक्ल वसीम दे अबू ते। मैनू भी कहते ने कि आपकी और ना वसीम भाई की शक्ल मिलती है कि तुसी कजन हो। मैं क्या नहीं, असी कजन तो नहीं है गे, है ना। मेरी कोई शक्ल तो कहते ना कि तू मेरी भैन लग, हाँ नहीं तो मेरी शक्ल वसीम ना रलती है। कहा ये देखें जी, ये फ्रायर में मैंने ये मर्चें डाल दी हैं, ये वाली इनको ओलिव ऑयल लगा के। तो अब इसको हम चलाएंगे। ते हाँ ये सारा साफ किया, पता नहीं क्यों इसके ऊपर ना ऐसे आ जाता है जैसे ना गंदा रखे है। हमें लगता है कि साफ है ना, और मिट्टी उड़ दी, कटा उड़ गया। हाँ चलो आई हूँ, तू ऑन हो जा। चलो जी ये मैंने चला दिया, मर्चें शर्चें इसके अंदर हैं, ये हम लैम लैग के साथ खाएंगे मजे से। अम्मी कैसी बनी सी लैम लैग वाला चखी सा जाना? नाइस बनी है, मैं कह रही हूं माशाल्लाह, बहुत ही नरम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजेदार है। हां जी जड़ा ना खाओगे रज रज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी तक तो जी कोई गाड़ी शाड़ी नहीं आई, वेट कर रहे हैं। तो अम्मी जी पी रही हैं बैठ के चाय। अम्मी का देखो मग जड़ा है ना चाय वाला, सूट सूट के साथ मैचिंग है। मैंने तो और ही नहीं, ये मेरी अम्मी ने दिया हुआ गिफ्ट वसीम को है। टूट जाएगा बड़ा नाइस है माशाल्लाह। जी आ गए हैं माशाल्लाह से, वसीम निकलेंगे पहले। इधर से देखें खैर जा दंद हाल ही पहला दादो को तो मिलने दो। चलो ठीक है, टिशू लायो नहीं देखो मामा। अनम दादो ने वो डब्बी में रखा था किसी। ना बेटे इतनी अच्छी है ना, चलो डालो उसके अंदर, और डालो दादो से को दबा दे जरा, प्रेस कर दे जाएगा। नहीं नहीं अम्मी खट्टे। ये देखें जी ये जबरदस्त यहाँ पे पेपर बनी है जो के जाएंगी अभी यहाँ यूं। ये देखिए बस इनफ, हाँ बस ठीक है। ये बिरयानी भी रखो ला के इधर टेबल पे, और ये भी सारा। ये देखो हमारा आज का लंच माशाल्लाह। चलो भाई आ जाओ सारे, भाई बैठो टेबल पे सारे, चलो भी खाना खा के देखें। राम फरमा रही हैं पंखा पसंद आया आपको न्यू वाला, ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा। हाँ हो अल्लाह पाके दी सेहत तंदुरुस्ती करे, अल्लाह पाके दी उम्र लंबी करे। हाँ अब्दुल्ला इधर दिखाओ कौन सा दांत निकला है।
का, ये देखिए जी अब्दुल्ला का आज दांत निकला, ये वाला ये अब्दुल्ला ताए को ले जाने लगे थे गाड़ी में बैठे ही अभी एयरपोर्ट जाने के लिए, तो साथ ही ओ मेरा दांत निकल गया वापस अंदर भाग के मैं जा खुलिए सुनिए करके यहां दिखाओ ताया ने शावर ले ली। अरे वाह संभाल के रखो संभाल के, मानो भी भागी गई अंदर आई कहती इसको मैं इसको हर्ट ना हो इसको दी वो कुल्फी आइसक्रीम ताकि वो ठंडा ठंडा लगे तो उसका काम डाउन हो जाए। हाँ इसके कपड़ों पे लगाओ, कोई नहीं उतर जाएगा, ये वॉश कर दूंगी ना उतर जाएगा। ये लें जी दुपट्टे आए हैं आ जाए, जिस जिसको चाहिए इंस्टा पे कॉन्टेक्ट करे। ये देखें खूबसूरत दुपट्टे आए हैं माशाल्लाह इस दफा, और दुपट्टे कौन लेके आए हैं, डिजाइनर साहब खुद लेके आए। ये ले जी, और इस दफा वसीम साहब भी आपके साथ नहीं मेरे साथ दुपट्टे बेचेंगे। ये लाइबा ने आज ये वाला सूट पहना हुआ, लाइबा की दादो लेके आई। तो चलें जी ये था हमारा आज का व्लॉग, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।